हेलो दोस्तों, मैं हूं अली और स्वागत आप सभी का मेरे चैनल अली फ्रॉम वाईटी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इल्यूजन तो नहीं दिखाने वाले, लेकिन कुछ वैसा ही जरूर दिखाएंगे। आज हम आपके ब्रेन के साथ कुछ ट्रिक्स करने वाले हैं, यानी कि हम ये देखेंगे कि आपका ब्रेन कितना ज्यादा स्ट्रांग है और आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी करवाएंगे। लेकिन बस यहाँ पर फर्क इतना होगा कि आपको इसमें मजा आएगा। मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवालात और आपको उसके जवाब देने, देखते हैं कि कितने सवाल का जवाब आप दे पाते हैं। और इसमें आपको ऑफकोर्स अपने ब्रेन का यूज भी जरूर करना पड़ेगा। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए रेडी हो जाइए, आपके लिए पहला क्वेश्चन रेडी हो रहा है, क्योंकि इस सवाल के जवाब को देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे। जैसे ही मैं अपना सवाल खत्म करूंगा, 5 सेकंड का घंटा शुरू हो जाएगा और आपको जवाब उसी के अंदर अंदर सोच कर बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। यू आर माई ब्रदर बट आई एम नॉट योर ब्रदर, हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब कि आप मेरे भाई हैं और मैं आपका भाई नहीं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। वैसे इतना मुश्किल नहीं, आसान ही सवाल था, क्योंकि मैं आपकी सिस्टर हूं। इसका जवाब यही है, क्योंकि मैं आपकी सिस्टर हूं इसलिए आपका ब्रदर नहीं हूं। दिमाग की घंटी चली। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी आपको 5 ही सेकंड का वक्त दिया जाएगा। चलिए आपके अगले सवाल के लिए आप रेडी हो जाइए। तो ये रहा आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन। अ 62 ईयर्स ओल्ड वुमन एंड 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल वॉक इनटू अ रेस्टोरेंट। अ मैन वॉक पास्ट एंड वुमन बोथ सेड हेलो फादर, हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब कि एक 62 साल की महिला और एक 16 साल की लड़की दोनों एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे और तभी अचानक से उनके पास से एक आदमी गुजरा, लेकिन दोनों ने उस आदमी को कहा हेलो फादर, मतलब कि हेलो पिताजी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है आप बताएं। कुछ लोगों को इसका आंसर बड़ी ही आसानी से मिल गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग तो बिल्कुल ही फट ही गया होगा कि आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता है। चलिए उन लोगों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ये है कि वो एक फादर था, यानी कि एक प्रीस्ट था चर्च का, और चर्च के प्रीस्ट को फादर ही बोलते हैं सब कोई, इसीलिए उन दोनों ने उसे फादर बोला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और आपको इसमें भी 5 सेकंड का ही वक्त मिलेगा और देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए मैं आपको अगला सवाल सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए और उसका जवाब दीजिएगा। वर्ड वर्ड बिकम शॉर्टर वेन यू एड 2 लेटर्स टू इट। मतलब कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आप 2 लेटर मिलाएंगे तो वो शॉर्टर बन जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, चलिए बताइए। चलिए अब इसका जवाब आपको देते हैं। इसका जवाब है शॉर्ट, वर्ड शॉर्ट, अगर आप उसमें ER मिला देंगे तो वो शॉर्टर बन जाएगा। मैंने यही तो कहा था कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें अगर आप 2 लेटर मिलाएंगे तो वो शॉर्टर बन जाएगा, तो वो शॉर्ट है, ER मिलाओगे तो शॉर्टर बन जाएगा। और मैंने जो कहा था कि और छोटा हो जाएगा, वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था ताकि आपका ध्यान उस पे से हट जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा सभी के स्क्रीन के सामने। वेयर डू यू फाइंड रोड्स विदाउट व्हीकल, फॉरेस्ट विदाउट ट्री एंड सिटी विदाउट हाउसेस? मतलब कि आपको वो जगह कहाँ मिलेगी जहाँ रोड तो होंगे लेकिन उसमें गाड़ियाँ नहीं होंगी, जंगल तो होंगे लेकिन वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे, और सिटी यानी कि शहर तो होंगे लेकिन वहाँ पर घर नहीं होंगे। वैसे जब आपको इसका आंसर पता लगेगा तो आप कहेंगे काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन जब तक आंसर नहीं मिलता ये मुश्किल ही आपको लगेगा। और इसका जवाब है मैप के ऊपर, ऑन अ मैप। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसका जवाब नहीं मिलेगा, और उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है जिनको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए क्या है वो सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अ गर्ल वॉज 13 ऑन हर लास्ट बर्थडे एंड विल बी 15 ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे, हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब कि एक लड़की 13 साल की हो गई थी अपने पिछले बर्थडे में और अपने आने वाले अगले बर्थडे पे वो 15 साल की हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है चलिए बताइए।
ऐसा तब होगा जब आज उसका 14th बर्थडे हो, तभी वो अगले बर्थडे पर अपने 15 साल की हो जाएगी। है ना ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी मजा आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि आखिरकार उन्होंने कितने सवालों का जवाब बिल्कुल ही सही दिया। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।